बच्चों में भी है यार। गुंजा अबे नहीं, गुंजा बॉबी सोनी, सोनू 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 सात नहीं पांच एपिसोड पांच एपिसोड है सर। सोनू सोनू ओके सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन हम सीजन देख कह रहे हैं वन। पहले सॉरी 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 कैमरा ओके। सबसे पहले तो यू नो कॉन्ग्रेचुलेशन सीजन वन सीजन टू बहुत सारा प्यार मिला, अब सीजन थ्री तो क्या कहना चाहेंगे इस नए सीजन सीजन के लिए और यू नो कितने एक्साइटेड है इस नए सीजन के लिए? एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। क्या बात, क्योंकि बाकी दो सीजन ने इतना कुछ दे दिया, अब तीसरे सीजन में आते आते ऐसा लग रहा है पता नहीं ये लाड प्यार हम कितना संभाल पाएंगे। नहीं क्यों नहीं संभाल पाएंगे, बिल्कुल संभाल पाएंगे, अभी तो आगे भी तो करना है, इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा? हाँ नहीं आगे भी करना है, बिल्कुल आगे की पूरी उम्मीद है और ऊपर वाले से उम्मीद करते हैं कि ये दिन दोना रात चौगनी बढ़ती जाए, लोग इसको बिल्कुल दिल से लगा लें और बिल्कुल और बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज जिस तरह से प्यार हमें मिलता रहा यू नो फर्स्ट सीजन यू नो जैसे हमने तो बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू किया था कि एक फैमिली इंट्रोड्यूस करके देखें जो बिल्कुल साफ सुथरी हो यू नो वेब सीरीज़ की दुनिया में, एंड जब वो हिट हुई और जब आपको यू नो जब हमें उतना प्यार मिलने लगा, जब हमें रिस्पॉन्स मिलने लगा, देन वी डिड सीजन टू एंड अब सीज़न थ्री जिसका हम सब यू नो इंतज़ार कर रहे हैं। इनफैक्ट हम सबके करियर्स में कभी कभी ये होता है कि ये जो है ना बस इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, यू नो कुछ ये वो प्रोजेक्ट है जो दिल के बहुत करीब है, दिल के बहुत करीब। सो इसलिए अगर हमें इतना प्यार है इससे तो आई एम श्योर कि आप लोगों को कितना प्यार होगा इससे। ऑल्सो यू नो सीजन थ्री में मिस्टर शर्मा और मिसेस शर्मा के कैरेक्टर में कितना चेंज आया है जानना चाहेंगे, ये वैसे ही गुस्से वाले हैं अभी भी या फिर कुछ चेंजेस आए हैं सीजन 3 में? सच बोलेंगे नहीं सच बोलना शर्मा जी के साथ जैसे जैसे सीजन बढ़ता जाता है तीसरे एक साथ फिर चौथा जब आएगा तो तीसरे में मालूम पड़ जाएगा अगर वेरोमीटर आगे बढ़ा है तो और आगे जाएगा और कहीं पगला ना जाए नहीं वैसे तो अभी ये है ना कि सत्तू जी जो हैं सॉरी मैं आपका नाम ले रही हूँ शर्मा जी जो हैं वो अब तो बाहर रहते हैं, वो आते हैं घर में और हमारा एपिसोड जो पहला इस सीज़न का शुरू हो रहा है वो यही हो रहा है कि घर आ गए तो आते जाते रहते हैं तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन कम रहती है यू नो। और मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब जब सत्तू जी घर आते हैं तो वो सरप्राइज नहीं देते घर आने का, उनको घर में सरप्राइज मिलते हैं, मिलते रहते हैं और यही तो हमारी कहानी है यही हमारी कहानी है। हालांकि जब ये नहीं होते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं घर के जो मुझे लगता है सिर्फ एक जो हस्बैंड कर सकता है वो एक वाइफ के लिए बड़ी यू नो तकलीफ वाले काम होते हैं और स्पेशली मिसेस शर्मा के लिए जब वो ये उम्मीद करती है कि बॉबी जो उसका बेटा है वो कोई काम कर लेगा तो वो तो बेटे से काम करवाना बड़ा मुश्किल है यू नो, इसलिए इनका इंतज़ार भी रहता है। नहीं होते हैं तो भी बुरा लगता है, होते हैं तो भी गुस्सा आता है तो ये अंदर की बात है। ये बहुत सुंदर सुशील कहानी है जी और जिसे आम आदमी जुड़ा हुआ है और इसी से हम आम एक्टर भी जुड़े हुए हैं। सीजन टू में बेटी की शादी हो गई है तो सीजन थ्री में मिस किया बेटी को या फिर हमें देखने मिलने वाला है आपकी देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बेटी जो है वो ससुराल चली जाए तो भी बेटी बेटी होती है, घर की बेटी होती है। हालांकि हमने इस सीजन में उसे दोबारा बुला लिया खास इनकी वजह से, बताइए क्यों? मैं तो लीक करना नहीं चाह रहा लेकिन सीधी बात यह है कि बच्चों के जो दुख दर्द होते हैं ना वो आप संभाल नहीं पाते हैं और उनसे आप बच नहीं पाते हैं तो उनको निपटाने के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बेटी की डिमांड्स कि अभी ये करना है अभी वो करना है, पढ़ाइयाँ पूरी नहीं हो रही हैं ना? इसमें मुझे भी ये लगता है कि जैसे कहते हैं ना बेटे जो होते हैं वो माँ से ज़्यादा क्लोज होते हैं और बेटियाँ जो होती हैं वो बाप के ज़्यादा क्लोज होती हैं, तो मुझे इस सीरियल में भी मतलब इस सीरीज़ में भी यही होता है कि जो फादर ही कांट स्टे अवे फ्रॉम सोनू तो वो उसे बार बार किसी बहाने से बुलाते रहते हैं और उसे मिस करते रहते हैं। वो जो चेकअप जो चल रहा है ना दामाद के साथ
वो अभी जुड़ा हुआ है कि मतलब अभी पूरी तरह से शादी तो कर हाँ दी है। एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं हाँ वो, लेकिन वो सार्थक को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। प्लीज कर लीजिए, दामाद हो गया है वो आपका। मैं सीर में भी यही कहती रहती हूँ, हाँ यहाँ पे भी यही कह रही हूँ, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए, दामाद है वो आपका। वो तो ठीक है कि मतलब उसको वैसे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन वैसे में कब एक्सेप्ट आएगा? हाँ। मुझे आई एम श्योर ये आप लोग सुन रहे होंगे, तो ये आप लोग जितने भी फादर्स होंगे उन सब की ये बड़ी एक यू नो अंदर वाली फीलिंग होती होगी ना, जो छुपाते भी होंगे, जाहिर भी नहीं करते होंगे, लेकिन लेकिन रिएक्ट भी करते होंगे उस पर, है ना। वही रहता है ना हमेशा कि मतलब कि अपनी बेटी की, अच्छा ये ठीक है, ये हमने सही किया, ओह अरे काश ऐसा सा कुछ मिल जाता। तो वो अभी चल रहा है उसका, जो एक टेस्ट है वो अंडर करंट बना हुआ है। और बेटी के साथ देखिए हमेशा ये होता है कि बेटी भले ही दूसरे घर में चली जाए, लेकिन बेटी तो बेटी होती है, और हमें हम लोगों को कोई हक नहीं है उसे इस घर से कहने का कि भैया तुम अब चली गई हो, हाँ तो तुम हमारे लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, या अब तुम वैसी नहीं रही हो। उसका जो स्टेटस है उस घर में, इस घर में और शर्मा परिवार में जो सोनू का स्टेटस है वो हमेशा रहेगा। शी इज़ ऑलवेज़ वेलकम। उसकी सारी प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो हमें उनमें शामिल करना चाहे सुविधा विधाओ। पहले क्या होता था ना कि जब बेटी घर में थी तो आप फिर भी बोल सकते सोनू अरे प्लीज ये मत करो, अब हिम्मत भी नहीं होती आपके कहने की। अभी वो जो करती है अच्छा गलत तो आप मुंह खोल के देखते रहते हो कि मतलब क्या, बल्कि उसके लिए दरवाजा और बड़ा हो गया। हाँ, अब इसकी इससे मुझे याद आया कि ये जो शर्मा जी हैं, ये इन्होंने पहली बार यही कहा था जब उसके फेरे हो रहे थे, तब कहा था कि अब सुबह की चाय कौन बनाएगा। तो अब आप सोचिए कि मेरी क्या हालत होती है। ओके, पीछे पोस्टर में भी हमने ये 1881 वाला कुछ हाँ बता दें कि क्या सीन है इसके पीछे। आहा, ये 81 तो मतलब 18 नहीं दिखाई दे रहा वो आपको? तो हमारी दादी 18 बरस की हो गई है। वो 18 के पीछे 81 के पीछे 18 छिपा हुआ है जी, और वही एक सस्पेंस है बहुत बड़ा कि वो 18 बरस की कैसे हो जाती है। नहीं, बट हैविंग सेड दैट 81 इसमें सीज़न 1 में हमारी छोटी सी फैमिली थी, सीज़न 2 में बच्ची की शादी हुई, सीज़न 3 में हमारी एक्सटेंडेड फैमिली दिखाई देती है जिसमें हमारा दामाद भी है, मेरे देवर हैं, इनके छोटे भाई आ जाते हैं, और दादी की बर्थडे भी सेलिब्रेट होती है जिसमें उनके यू नो बड़े सरप्राइज नंबर्स और बड़े सरप्राइज आइटम्स, उनकी बर्थडे पर हमने एक सरप्राइज दिया है, तो वो भी इस सीज़न का अट्रैक्शन है बहुत बड़ा। ओके, सीजन 2 के बाद में यू नो कितना मिस किया शर्मा फैमिली को और फैमिली के मेंबर्स को, कितना मिस किया सीजन 2 के बाद? बहुत मिस किया है मतलब बताने वाली बात नहीं है, तो जी समझने वाली बात जी, बिकॉज देखिए हमारी बॉन्डिंग ऐसे बन गई कि अगर आप कोई भी हमें आज शर्मा फैमिली को देखता है तो ये नहीं कह सकता कि यू नो ये हम एक मतलब हम सिर्फ एक्टर्स हैं या हम एक नहीं हैं। हमारी केमिस्ट्री ऐसी बनी, यू नो हम लोगों की सेकेंड सीजन तक तो केमिस्ट्री बन रही थी, थर्ड सीजन के आते आते ये हो गया कि ओवर द टॉप चली गई, अब ओवर द टॉप मत गई है प्लीज, मगर ऐसा हो गया कि अब साथ में मिलके खा रहे हैं, साथ में लाइफ शेयर कर रहे हैं, जिंदगियां शेयर कर रहे हैं, हमारे ये जो बच्चे बने हैं हमारे दोनों, जो गुंजन और चंदन हैं उनकी, और सर की, दादी, मेरी दादी कमलेश जी की, तो हम सब की एक हमारा एक कह दूं हमारे वो पड़ोसी, हाँ पड़ोसी भी तो हैं, नहीं हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम सिर्फ ये फैमिली ही है, शर्मा फैमिली ही है। तो हम उस लेवल तक पहुंच गए हैं अब, इसीलिए हमें उम्मीद है कि हम इससे आगे भी बढ़ने वाले हैं, और टैफ 4 बहुत जल्दी आएगा, आप देखते रहें और आपकी दुआ रही तो। ओके, आल्सो बता दें कितना एपिसोड इस सीजन में होने वाला है और कितने मिनट का होने वाला है इसके बारे में। ये करीब करीब 5+2 ना ना 5 है, 5 एपिसोड है, 5 है सो 5 एपिसोड हैं और 15-20 मिनट तक के, 15-20 मिनट के है ना, हाँ मतलब वो लेंथ बढ़ गई है तो प्यार थोड़ा बढ़ गया है। हाँ काफ़ी बढ़िया है, 4 मिनट ज़्यादा नहीं लेकिन या अच्छे एपिसोड्स हैं, बड़े अच्छे मज़ेदार एपिसोड, बहुत मज़ेदार चटपटे एपिसोड्स हैं, और हर एपिसोड में एक एक पर्ट खुलती जाती है, और जब तक एंड आएगा तब तक आप
पूरी तरह से दिल में हमको बसा चुके होंगे। बिल्कुल, हमेशा जितना प्यार आपने हमें सीजन वन सीजन टू में दिया है हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो नया प्लेटफॉर्म है MX Player और TVF Play इस पर जब आप हमें देखेंगे तो एक नए नज़रिए से देखेंगे, ये डाउनलोड करेंगे, और इस बार तो बहुत इंटरेस्टिंग बात भी हो रही है सर कि हम सारे एपिसोड जो हैं वो एक साथ उन्हें रिलीज़ कर रहे हैं। एक साथ रिलीज़ कर रहे हैं तो मतलब दिल में ये कसक नहीं बनी रहेगी कि एक के बाद एक क्या हुआ आगे, क्या हुआ आगे, क्या हुआ, तो आपको वो एक हफ्ते वाला इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम और भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि ये जो पूरी सारी कहानियाँ आप देखेंगे वो आप उन्हें देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। एंड डेफिनेटली ये भी हुआ है सर कि ये हमने जब सीज़न अनाउंस किया तो इसकी वजह से लोग जिन्होंने नहीं देखा था वो भी यू नो आम आदमी फैमिली वन और टू देखने चले गए। तो हमें उम्मीद है कि इस बार दिस इज़ गोइंग टू बी अ सुपर सुपर सक्सेसफुल सीज़न फॉर अस। ओके, ये तो हुई यू नो द आम आदमी फैमिली की बात, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट शेयर करना चाहेंगे? सर क्या क्या काम करते रहते हैं? मेरा तो एक कॉमेडी फिल्म है पागलपंती वो, और एक और दूसरी कॉमेडी फिल्म है गुलाबो सितारो, इन दो पे काम चल रहा है और बाकी सब ऊपर। मेरे एक थिएटर प्ले अभी रिलीज़ हुआ है, इट इज़ अ सोलो परफॉर्मेंस, अ मोनोलॉग रिटन बाय जावेद सिद्दीकी, इट्स कॉल्ड गुडम्बा। अभी बस उसे हमने प्रीमियर किया है यू नो तीन दिन पहले, एंड वी आर होपिंग टू टेक इट प्लेसेस। So thank you so much हमसे बात करने के लिए, and all the best आप दोनों को। Thank you, बहुत शुक्रिया, thank you.